ओम नमः शिवाय। दोस्तों चलिए चलते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग यात्रा पर। सबसे पहले बात करते हैं शिवगंगा सरोवर की। कहा जाता है कि रावण की मुष्टि प्रहार से इसकी उत्पत्ति हुई है और ये पाताल गंगा है। शिव गंगा के जल का महत्व उतना ही है जितना गंगा जल का। कांवड़िया जब सुल्तान गंज से जल उठाकर देवघर पहुंचते हैं तो सबसे पहले इसी शिव गंगा में स्नान कर संकल्प कर बाबा को जल अर्पण करते हैं। इस सरोवर के बारे में कहा जाता है कि इसका जल कभी नहीं सूखता है। कथा के मुताबिक रावण जब शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था तब उसे लघुशंका का एहसास हुआ और जब लघुशंका के उपरांत उसे शुद्धि के लिए जल की जरूरत हुई तो उसे जल नहीं मिला। तब गुस्से में आकर रावण ने अपनी मुष्टि का प्रहार कर जल की उत्पत्ति की थी। इसे ही शिवगंगा कहा जाता है। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का बड़ा महत्व है। इन सभी से शिव की रोचक कथाएं जुड़ी हुई है। देवघर के वैद्यनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग भी रावण की भक्ति का प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र वैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं भोलेनाथ यहां आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहाँ ये स्थापित की गईं। इसी तरह पुराणों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा है जो लंकापति रावण से जुड़ी है। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़ लंका में रहें। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघुशंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघुशंका करने चला गया। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वजह से भी यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नामों से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघुशंका करता रहा जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर उसे स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आए तो लाख कोशिशों के बाद भी शिवलिंग को नहीं उठा पाया। तब उसे भगवान की यह लीला समझ आ गई और वह क्रोधित शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते। 12 ज्योतिर्लिंग कामना लिंग बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर में वैसे तो 22 मंदिर हैं, जहां एक ही परिसर में शिव शक्ति विष्णु ब्रह्मा की भी पूजा होती है। इस परिसर में शिव मंदिर के शिखर से मां पार्वती मंदिर के शिखर तक गठबंधन की एक अनोखी परंपरा है जो यहां आने वाला हर भक्त करना चाहता है। प्राचीन काल से चले आ रहे इस धार्मिक अनुष्ठान को गठजोड़वा या गठबंधन भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस अनुष्ठान को करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है और राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
बाबा बैद्यनाथ मंदिर के शिखर से लेकर माता पार्वती मंदिर के शिखर तक ग्रंथी बंधन एक लाल धागे से बांधा जाता है। यह अनुष्ठान किसी अन्य ज्योतिर्लिंग में देखने को नहीं मिलता है। इस गठबंधन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसे कोई पुरोहित नहीं करते, बल्कि प्राचीन काल से यह गठबंधन का कार्य मंदिर के ऊपर चढ़कर भंडारी समाज के एक ही परिवार के लोग करते आ रहे हैं। यह गठबंधन लाल रज्जू से निर्मित होता है। इस अनुष्ठान में पति पत्नी दोनों ही सम्मिलित होते हैं। देवघर के कंकड़ कंकड़ में शंकर का वास है। कहा जाता है कि देवघर में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उसकी प्रामाणिकता भी मौजूद है। देवघर से महज 20 किलोमीटर दूर हरी भरी वादियों के बीच तीन चोटियों वाला त्रिकूट पर्वत मौजूद है। मान्यता है कि इस पहाड़ की कहानी त्रेता युग से जुड़ी हुई है। यहाँ रावण और जटायु के बीच युद्ध हुआ था। लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ रावण अपने पुष्पक विमान से आता और तपस्या करता था। मान्यता है कि यहाँ पर रावण को एक साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का दर्शन हुआ था। यहाँ जो पहाड़ है उसके तीन शिखर हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में जाना जाता है। पहाड़ की तराई में बाबा त्रिकुटेश्वर नाथ का मंदिर है। मान्यता है कि इसकी स्थापना रावण ने ही की थी। लोगों का कहना है कि यहाँ माता सीता ने जो दीप जलाया था वह आज भी मौजूद है। इसे देखने लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। इस पहाड़ की चोटी पर विश्व का सबसे बड़ा शालिग्राम पत्थर है, जिसे विष्णु टॉप कहा जाता है। सिर्फ दो कोण पर टिके इस पत्थर के बीच 14 इंच का फासला है। मान्यता है कि जो इसके बीच से पार हो जाता है उसके ग्रह कट जाते हैं। इसके अलावा यहाँ हाथी पहाड़ भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है, जहाँ 40 फीट से बड़ी हाथी की आकृति की चट्टान है और शेषनाग की आकृति की एक नाव रूपी आसन भी है, जिसे भगवान विष्णु के शयन के रूप में देखा जाता है। इन धार्मिक मान्यताओं के अलावा यहाँ 1282 फीट की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाने के लिए रोप वे भी है। बाबा बैजनाथ के बाद अधिकांश श्रद्धालु बासुकीनाथ पहुँचते हैं। मान्यता है कि जब तक बासुकीनाथ के दर्शन ना किए जाए तब तक बाबा बैजनाथ की यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। हिंदुओं में मान्यता है कि बाबा बैजनाथ में विराजमान भगवान शिव जहां दीवानी मुकदमों की सुनवाई करते हैं, वहीं बैजनाथ धाम से 45 किलोमीटर दूर स्थित बासुकीनाथ में विराजित भोलेनाथ श्रद्धालुओं की फौजदारी फरियाद सुनते हैं और उनका निराकरण करते हैं। बासुकीनाथ में भगवान शिव का स्वरूप नागेश का है। यही कारण है कि यहाँ भगवान शिव को दूध अर्पित करने वाले भक्तों को भगवान शिव का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान मंदर पर्वत को मथनी और वासुकीनाग को रज्जू के रूप में व्यवहार किया गया था।